और ये पहला वो ट्रेवल है, ये पहली वो यात्रा है जो ये मक्का के बाहर इतनी दूर तक लेके जाता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को। और ऐसा माना जाता है कि उन दिनों सीरिया में क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे फैलना शुरू हो रही थी। हम एक काम करते हैं, मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूँ मोहम्मद के पूर्वजों से, कि जिस समय इस्लाम ने शुरू होना था तो उससे पहले मक्का में या अरीबा में किस तरह की सराउंडिंग्स थी, किस तरह का वातावरण था जिसमें के इस्लाम शुरू हुआ। क्योंकि इस्लाम के बारे में जो क्लेम है वो कई तरह के हैं। जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, जिनका बिजनेस इस्लाम पे डिपेंड करता है, उनका कहना है कि जो इस्लाम शुरू हुआ ये एक रिफॉर्मिस्ट रिलीजन था, कि वहां पर उस समय बहुत बुरी हालत थी और उसे सुधारने के लिए इस्लाम की शुरुआत की गई। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि इस्लाम ने कोई सुधार नहीं किया, इसने स्थिति को बिगाड़ा है। जो भी वहां पर उस टाइम की स्थितियां थी, जो सोशियो कल्चरल मिल्यू था वहां पर, उसको बिगाड़ने में इस्लाम ने हेल्प किया है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमें समझ लेना चाहिए कि किस तरह की सराउंडिंग्स में, किस तरह के एक समाज में इस्लाम को शुरू किया गया था। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं इस्लाम मोहम्मद के पूर्वजों से, कि मोहम्मद के जो पूर्वज थे वो किस तरह के लोग थे और किस तरह से धीरे धीरे चल के इस्लाम की एस्टेब्लिशमेंट अरेबिया में होती है। इसे समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, इस्लाम की स्टार्टिंग से कुछ पीछे चलते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ कुसे से। एक आदमी था जो लगभग सन 400 में, यानी इस्लाम के शुरू होने से लगभग 250 साल पहले मक्का में अपने आप को एक मुखिया माना जाता था उसे, और उसका काफी होल्ड था वहां पे, काफी इन्फ्लुएंस था उसका। अब कुसे के 3 बेटे थे, अब्दुल दार, अब्द मनाफ और अब्दुल उज्जा। अब नोटिस करें कि हर नाम में अब्द आ रहा है। अब्द का जैसे हमारे यहाँ पर नाम होते हैं दुर्गादास, रामदास, गंगादास, तो वैसे ही यहां पर जब किसी देवी देवता के साथ अब्द लगाया जाता है तो उसका अर्थ है कि उस देवी या देवता का भक्त या उसका दास। अब यहां पर जो तीनों नाम है वो ही इंडिकेट करते हैं कि 3 बच्चे हैं, तीनों अलग अलग देवी या देवता के उपासक हैं। जैसे अब्दुल उज्जा, यानी उज्जा नाम की जो वहां पर एक देवी थी, ये उसको समर्पित था, उसका दास था, इसलिए इसका नाम अब्दुल उज्जा है। अब्द मनाफ, मनाफ वहां पर एक और एक डीटी थी, एक देवता जिसे आप कह सकते हैं, उसका भक्त है, तो अब्द मनाफ हो गया। तो ये जो नाम है अपने आप में हमें ये क्लैरिटी देते हैं कि इस्लाम के आने से पहले जो अरेबिया की सोसाइटी थी वहां पर अलग अलग देवी देवताओं की मान्यता थी, और एक घर में भी ये वेरिएशन पाई जाती थी, लगभग ऐसा ही जैसा आज हमारे देश में होता है। एक ही घर में लोग रह रहे हैं, एक राम की पूजा कर रहा है, दूसरा शिव की कर रहा है, तीसरा शायद माँ दुर्गा की कर रहा हो, तो ऐसी ही वेरिएशन वहां पर अरेबिया में पाई जाती थी। इससे आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि वहां के लोग कोई संकुचित मानसिकता नहीं थी, वो नैरो माइंडेड नहीं थे कि एक ही तरह का गॉड होना चाहिए, एक ही तरह का जो इलाहा है वो होना चाहिए। इन तीनों में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अब्द मनाफ, क्योंकि इसी से आगे चल के मोहम्मद की शुरुआत होने वाली है। इसके जो बेटे थे, काफी सारे बेटे थे, लेकिन उनमें से जो 4 मेन है जिनका आगे हिस्ट्री में कुछ ना कुछ रोल आने वाला है, वो थे नौफाल, अब्द शम्स, मुतल्लिब और हाशिम। इनमें से हाशिम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की लीनियज में से आगे मोहम्मद ने आना है। इन चारों में से जो अब्द शम्स है उसका बेटा है उमैया, जो अगली जनरेशन में आएगा, और हाशिम का बेटा है अब्दुल मुतल्लिब। ये आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, वो देखते हैं। उमैया और हाशिम दोनों आपस में चाचा भतीजा हैं, लेकिन इनमें आपस में थोड़ी सी जेलसी है, एक तरह से एक राइवलरी है, ईर्ष्या का एक रिलेशन है इनके अंदर। कुसे, जैसा मैंने बताया कि एक इंपॉर्टेंट आदमी था वहां पर, मक्का में जो काबा है उसे काबा मंदिर कहते थे क्योंकि वहां पर बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां थी, कुछ उसके अंदर थी और कुछ उसके बाहर चारों ओर फैली हुई। अब इस माहौल में जहां पर रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे देवी देवता हैं, तो आसपास के लोग वहां पर आया करते थे। उसका एक विशेष कारण था कि यहाँ पर एक पानी का सोर्स था जिसे जामजाम कहते हैं,
पानी मिलना अपने आप में एक दुर्लभ चीज थी, इसलिए जो काबा की प्रॉस्पेरिटी थी, जो मक्का की प्रॉस्पेरिटी थी, काफी हद तक इस पर डिपेंड करती थी। पूरे अरेबिया से लोग हज यात्रा करते हुए यहाँ आते थे, तो जो कुसे था उसके परिवार का काम था ये जो हज यात्रा या उमरा करने वाले जो यात्री वहां आते हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था करके देना। इसलिए कुसे को एक मुखिया माना जाता था और उसका सम्मान किया जाता था। अब यही जो ड्यूटीज थी, यही जो दायित्व थे, वो आगे उसके बेटों को मिलते गए। जब तीन बेटे हो गए तो उनमें डिवाइड हो गया वो, तो अब अब्द मनाफ के जो बेटे थे उनके अंदर फर्दर डिवीजन हो जाती है। तो सारे अपनी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उनका बिजनेस भी चलता है। तो जो कुसे के बाद तीसरी पीढ़ी है हाशिम की, हाशिम एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था। इसने अपने बिजनेस को प्रमोट किया और जो इसका काम था हज यात्रियों को खाना और पानी प्रोवाइड करने का, वो इसने बड़े अच्छे से निभाया भी। दूसरी ओर जो उमैया का बाप था अब्द शम्स, वो अपने आप में उसकी भी काफी प्रॉस्पेरिटी थी, उनके पास भी काफी धन संपन्नता थी, लेकिन शायद उतनी थी नहीं थी जितनी हाशिम के पास थी। तो उमैया ने एक बार चैलेंज किया हाशिम को कि तुम अपने आप को ज्यादा मशहूर समझते हो जबकि हम ज्यादा संपन्न है, हमारी ज्यादा शान है। तो हाशिम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इस तरह की तूतू मैना में, क्योंकि उमैया उससे छोटा था आयु में और रिश्ते में भी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि इन दोनों के लिए एक अरेंजमेंट किया गया कि जहां पर दोनों अपनी अपनी साइड रखेंगे, दोनों बताएंगे कि क्यों किस एक को अच्छा माना जाए या एक को दूसरे से बेहतर माना जा सकता है। इस तरह का एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें किसी एक को अंपायर भी रखा जाता था, ये वहां की परंपरा थी। और परिणाम ये हुआ कि हाशिम जीत गया और उमैया हार गया। अब शर्त ये रखी गई थी कि जो हारेगा वो 10 साल के लिए मक्का से बाहर चला जाएगा और उसको 50 ऊंट जो है वो हारने पड़ेंगे। तो उमैया 50 ऊंट हार गया। हाशिम ने क्या किया, ये जो 50 ऊंट उसने जीते उनको वहीं कटवा कर एक बहुत बड़ी पार्टी दी और उसमें लगभग सारे मक्का के लोगों ने आके खाना खाया और उमैया को 10 साल के लिए वहां से जाना पड़ा। तो ये जो दो आपस में खानदानी लड़ाई वाले गुट हैं, इनकी हिस्ट्री आगे चल के और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन यहां पर ये आपको बताना जरूरी था। हाशिम एक बार बिजनेस के सिलसिले में जाता है मदीना में। मदीना को उस समय यथरीब कहा जाता था, जो इसका एक्चुअल नाम है यथरीब या यसरीब कहते हैं इसे। तो जब वो वहां गया, वहां उसने मार्केट में देखा कि एक लेडी है, बहुत अट्रैक्टिव है, और वो वहां पर बिजनेस कर रही थी। ये आपको क्लियर करता है कि इस्लाम के आने से पहले, जिसे आज हम मक्का और मदीना कहते हैं, वहां पर महिलाओं की जो स्थिति थी वो किस तरह की थी। तो हाशिम उस लेडी की ओर आकर्षित होता है, तो पता करता है कि कौन है। तो आसपास लोगों ने बताया कि इसका नाम सलमा है और पहले इसका एक डाइवोर्स हो चुका है और अच्छी बिजनेसवुमन है, लेकिन अब ये शादी अपनी शर्तों पे करना चाहती है और इसकी एक शर्त ये है कि तलाक मैं अपनी इच्छा से दूंगी, पति को ये राइट नहीं होगा, और मैं अपना बिजनेस अगर चाहूंगी तो मैं उसे चला के रखूंगी और मेरी इच्छा होगी तभी उसको बंद किया जाएगा। तो हाशिम ने ये सारी शर्तें मान ली, एज अ रिजल्ट इन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद सलमा कुछ टाइम के लिए रहने के वास्ते मक्का में आती है, हाशिम के साथ रहती है और फिर कुछ टाइम के बाद वहां से चली जाती है, वापस अपने घर आ जाती है यथरीब में या मदीना में। जब वो वापस आती है उस समय वो प्रेग्नेंट है और कुछ टाइम बाद वो बच्चे को जन्म देती है। इसके बारे में हाशिम को भी नहीं पता है, वो बिजनेस के सिलसिले में जाता है ऊपर नॉर्थ में इसराइल के पास जो जगह है गाजा, वहां जाता है और इस सफर में उसकी मौत हो जाती है। टाइम बीतता गया और वो लड़का जो वहां जन्म लिया था अपने ननिहाल में पलता रहा, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया 12-13 साल का, तब जो उसका चाचा था मुतल्लिब, उसे भेजा गया कि तुम जाके उसको अपने घर लेके आओ। जब वो वहां जाता है इस लड़के को वापस लेके आ रहा है, जब मक्का में पहुंचता है तो वहां एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आता है कि लोग देखते हैं कि मुतल्लिब आ रहा और साथ में 12-13 साल का लड़का है। तो उन्होंने सोचा कि मुतल्लिब बिजनेस के सिलसिले में गया था तो वहां शायद मार्केट से गुलाम खरीद के लाया है, तो गुलाम को अब्द कहते हैं। तो लोगों ने वहां जो लड़के खेल रहे थे उन्होंने उसको अब्दुल मुतल्लिब कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा मुतल्लिब का गुलाम है।
और ये नाम इस लड़के के साथ चिपक गया और आज हम इसको अब्दुल मुतल्लिब के नाम से ही जानते हैं। इसका ओरिजिनल नाम, इसके ननिहाल में क्या रखा गया था, उसकी बहुत कम लोगों को जानकारी है। और क्योंकि इस्लाम की किताबों में इसे अब्दुल मुतल्लिब ही रेफर किया जाता है, तो हम इस रेफरेंस के साथ ही चलेंगे। मुतल्लिब जब इसे यहाँ लेके आया तो हाशिम का, क्योंकि अच्छा बिजनेस था, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी उस पे इस बेटे का राज, बेटे का जो अधिकार था उसे दिया जाना था। लेकिन जो ताया था नौफाल, उसने देखा कि छोटा सा लड़का है, तो उसने वो प्रॉपर्टी या जो भी उसका रोजगार था उस पर कब्जा जमा लिया। तो ये बच्चा थोड़ा बेबस था कि क्या करे। इसने जब बाकी लोगों से रिक्वेस्ट किया मक्का में, तो इसको कोई हेल्प नहीं मिली। एज अ रिजल्ट इसने ननिहाल में, मदीना में मैसेज भेजा कि इस तरह मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप मेरी सहायता करें। तो मदीना से 70 लोगों का एक ग्रुप उठ के आया, ऊंटों पे बैठ के, जिन्होंने तलवारें ले रखी थी, और वो वहां पहुंचे मक्का में। उन्होंने आते ही नौफाल को पकड़ लिया तलवार की नोक पर, उसे कहा, जो तूने राइट्स ले रखे हैं इस बच्चे के, जो इसके साथ तूने अन्याय किया है, वो या तो तू वापस देगा, नहीं तो आज हम तुझे मार देंगे। तो फंसा हुआ था उसने मुतल्लिब को, तो उसने अब्दुल मुतल्लिब को जो भी उसकी रोजगार थी, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो दे दी। तो अब ये ननिहाल वाले वापस चले गए और जो अब्दुल मुतल्लिब है उसके पास ये धन संपदा आ गई। लेकिन इसमें काफी टाइम बीत चुका था। जो हाशिम के टाइम पे इस परिवार की संपन्नता थी, जो प्रॉस्पेरिटी थी, वो अब काफी कम हो गई थी। अब्दुल मुतल्लिब की कहानी देखते हैं क्या है। 497 में, यानी 497 में इसका जन्म हुआ था। हाशिम और सलमा इसके माता पिता थे। अब इसका जो पहला बेटा हुआ उसका नाम था हरित। काफी देर तक इसे कोई और बेटा नहीं हुआ, तो ये अकेला ही लड़का जो हरित था वो अपने बाप की सहायता करता था, तो इनको तंगी आती थी। और ऐसा माना जाता है कि अब्दुल मुतल्लिब एक बार जो काबा मंदिर था वहां गया और उसने वहां देवी देवताओं को गुहार लगाई कि मेरा एक ही बेटा है, इसलिए मुझे काम करने में प्रॉब्लम होती है, अगर आपने मुझे कृपा करी, मुझे 10 बेटे मिल गए, तो मैं एक बेटे की कुर्बानी यहाँ मक्का में आके, यहाँ काबा में आके देने वाला। तो समय बीतता गया, इसकी और शादी हुई, तो एक टाइम ऐसा आ गया जब इसके पास 10 बच्चे हो गए थे, 10 लड़के थे, उनके अलावा कुछ लड़कियां भी थी। अब इसको अपनी कसम याद थी। यहाँ एक और चीज हमें समझने लायक है कि इस्लाम के आने से पहले अरब के जो लोग थे, स्पेशली मक्का के जो लोग थे, वो अपने वचन के बहुत पक्के थे। यहाँ पर भी इसे याद था कि मैंने ऐसी कसम खाई थी, ऐसा वचन दिया था, इसलिए मुझे वो पूरा करना है। तो ये अपने 10 बेटों को लेकर मक्का की सीढ़ियां चढ़ा और वहां पर उस टाइम जो ट्रेडिशन थी उसके अकॉर्डिंग कुर्बानी दी जानी थी। अब इसने कोई कमिटमेंट नहीं किया था कि मैं किस बेटे की कुर्बानी दूंगा, तो उसका वहां की परंपरा के अनुसार क्या मेथड था कि एक तुनीर लेते थे, उसमें 10 के 10 बेटों के नाम लिख के एक एक तीर पर उस तुनीर में डाले गए कि अब जिसका, जिस तीर को निकालेंगे एक को, उस पे जिसका नाम लिखा होगा उसी की कुर्बानी दी जाएगी। जब तीर निकाला उस पे अब्दुल्ला नाम के बेटे का तीर निकला। अब अब्दुल्ला सबसे छोटा लड़का था और इसको बहुत प्यार करता था, और जो बाकी बहनें थी, जो बाकी परिवार के लोग थे, वो भी छोटे बच्चे से, क्योंकि ज्यादा अटैचमेंट होती है, तो सारे एकदम से रोने लग गए। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, तो वहां की परंपरा में इसका सॉल्यूशन ये था कि अब उस तुनीर में 2 तीर रखे जाएंगे, एक अब्दुल्ला का और दूसरे पर 10 ऊंटों की कुर्बानी लिखी जाएगी कि अगर आप अपना वचन पूरा नहीं कर रहे हैं, अब आपने कहा था कि मैं बेटे की कुर्बानी दूंगा, अगर वो नहीं देते हैं तो अब आपकी सजा ये है कि आपको 10 ऊंटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जब तीर निकाला गया तो वो तीरों अब जब तीर निकाला गया तो वो फिर से अब्दुल्ला वाला आ गया, तो फिर से सब रोने लगे। अब सेकंड स्टेप था कि एक तीर पे अब्दुल्ला का नाम लिखा जाएगा और दूसरे तीर पे 20 ऊंट लिखे जाएंगे। तो ऐसे करते करते हर बार 10-10 ऊंटों की कुर्बानी बढ़ाई जाती है। अब उस दिन चांस की बात थी या क्या था, ये प्रोसेस चलता रहा और जब स्टेज पहुंची कि एक तीर अब्दुल्ला के नाम का है और दूसरा 100 ऊंटों की कुर्बानी का है, तब 100 ऊंटों की कुर्बानी का तीर निकलता है। अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए अब्दुल मुतल्लिब ने तब
100 ऊंट वहां पर कटवाए और उनका जो भोजन था वहां पर सारे मक्का वासियों को करवाया गया। एज अ रिजल्ट ये जो अब्दुल्ला नाम का बेटा था ये पूरे मक्का में बहुत मशहूर हो गया, बहुत फेमस हो गया था। अब ये जो 10 बेटे थे, इसके बाद और भी बेटे हुए इसके, लेकिन उनमें जो प्रमुख हैं जिनका आगे हिस्ट्री में रोल आने वाला है उनको देखते हैं। हारिस, अबू तालेब, अबू लहब, अब्दुल्ला और हमजा। यहाँ अब्दुल्ला वो है जिसका जन्म 545 में हुआ था, जो सबसे छोटा था, और इसी से आगे मोहम्मद का जन्म होने वाला है जिसे इस्लाम का आज पैगंबर माना जाता है। इनमें जो अबू तालिब है उसके दो बेटे थे, एक का नाम जाफर था जो बड़ा था और एक अली जो छोटा था। अब्दुल्ला का बेटा हुआ था जिसका नाम था मोहम्मद। अब्दुल्ला जब बच गया तो अब परिवार खुश हो गया और फिर से लाइफ ऐसी रूटीन में चलने लग गई। जिस समय अब्दुल्ला की उम्र लगभग 25-26 साल की होती है तो अब्दुल मुतल्लिब उसे लेकर एक दूसरे कबीले में जाते हैं जहां पर एक महिला से इसकी शादी की जानी है। इस लड़की का नाम है अमीना और इसी की एक कजन है जिसके साथ अब्दुल मुतल्लिब शादी करते हैं। यानी कि ये बाप और बेटा है और ये दोनों ही वहां पर दो लड़कियां जो आपस में बहने हैं, सगी बहने नहीं है, कजन है, उनके साथ शादी करते हैं और कुछ समय 3 दिन वहां बिताने के बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। अब ये जो अब्दुल मुतल्लिब की ये वाली शादी है उससे इसे एक और बेटा होता है जिसका नाम हमजा है, जो आगे फिर से हिस्ट्री में कुछ रोल प्ले करेगा, वो हम जब वहां पहुंचेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अब ये शादी होने के बाद बाप बेटा वापस आ जाते हैं और अब्दुल्ला एक बिजनेस के लिए जब निकलता है सीरिया की ओर रवाना होता है तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इतने में जो अमीना है वो गर्भवती है जिससे बेटा होने वाला है और इस बेटे का नाम है मोहम्मद, जिसका जन्म सन 570 ईस्वी में होता है। अब हम मोहम्मद की लाइफ स्केच पे ध्यान देना शुरू करते हैं कि मोहम्मद के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। सबसे पहली तो जो जैसा कि वहां का ट्रेडिशन था कि बच्चे को आसपास के जो कबीले थे उनमें भेज दिया जाता था और वहां पर ऐसी लेडीज होती थी जो इन बच्चों को अपना दूध पिलाया करती थी। तो अमीना ने भी अपना जो ये बेटा था उसे एक कबीले में भेजा। कबीले का नाम था बनू साद और जिस लेडी के साथ इसे भेजा गया था उसका नाम था हलीमा। तो 2 साल तक ये उस कबीले में जाके रहता है छोटा बच्चा और 2 साल बाद जब वो हलीमा उसे वापस लेके आती है उसके माँ के पास तो माँ देखती है कि जो बच्चा है काफी हेल्दी है और खुश होती है वो इससे और इसे बोलती है कि आप 2 साल और इसको ले जाओ और फिर मुझे मेरे पास ये मेरा बेटा लेके आना। फिर 2 साल बाद जब वो आते हैं तो ये जो हलीमा और उसका पति है उनको कुछ घबराहट सी होती है, कुछ डरे हुए हैं कि हम इस बच्चे को नहीं रखना चाहते। तो अमीना उनसे बातचीत करती है तो उसे कुछ ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण ये मोहम्मद को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। अब ये जो इंसिडेंट है इसके बारे में अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, जो तो इस्लाम के ट्रेडिशंस हैं उनके अंदर इसके बारे में कहा गया कि कोई दो देवदूत आए जिन्होंने मोहम्मद का जो छाती थी उसको फाड़ा, उसके अंदर कुछ किया, इस तरह की कुछ कहानियां हैं। हम उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ वो वाली बातें डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें हम सहज रूप से एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिनको मान सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो जैसे विलियम मुयर हैं जो बड़े अच्छे हिस्टोरियन हैं, उनका लिखना है कि हो सकता है कि उस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हों जिसके कारण वो हलीमा और उसका पति डर गए थे और वो वापस करना चाहते थे। फिर 1 साल के लिए वापस हलीमा ले जाती है क्योंकि अमीना उसको किसी तरह मना लेती है कि आप ले जाओ, और क्योंकि हलीमा भी इस बच्चे को प्यार करती थी तो वो ले गई। और फिर जब ये छोटा बच्चा जो मोहम्मद है 5 साल का होता है तो उसे वापस अमीना के पास ले आते हैं। अगले साल यानी जब ये बच्चा 6 साल का होता है तो ये बच्चा अपनी माँ के साथ मदीना की ओर जाते हैं सफर पे ताकि ये अपने ननिहाल जा सके। तो वहां पर मदीना में कुछ टाइम बिताते हैं, लगभग 1 महीना रहते हैं माँ और बेटा, और इनके साथ इनकी एक नौकरानी है या गुलाम है वो भी साथ में होती है। जब वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में अमीना बीमार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तो 6 साल की आयु में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अब जब ये वापस पहुंचते हैं तो जो अब्दुल मुतल्लिब है वो अभी भी जीवित है और उसको बच्चे से बहुत प्यार है तो वो डिसाइड करता है कि इसका पालन पोषण मैं करूंगा। हालांकि
अब इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी हाशिम के टाइम पे थी, पर स्टिल अब्दुल मुतल्लिब मक्का में एक बहुत बड़ा प्रमुख व्यक्ति माना जाता था और अपने मरने तक वो प्रमुख व्यक्ति ही माना गया है। और दूसरा जो अबू तालिब नाम का एक चाचा है मोहम्मद का, वो भी इस बच्चे को बहुत प्यार करता है। अब बहुत ही जल्दी लगभग 2 साल बाद ही अब्दुल मुतल्लिब की मौत हो जाती है, जो लगभग 80 साल का हो गया था उस समय। तो अब इस बच्चे को पालने की जिम्मेवारी अबू तालिब के ऊपर आ जाती है, जो इसका पालन पोषण करने लग जाता है। फाइनेंशियल स्थिति, जो इनकी आर्थिक स्थिति है, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल इनका गुजारा चल रहा है। और इन बीती पीढ़ियों में जो हाशिम के टाइम पे हज यात्रियों को खाना खिलाने का और पानी की व्यवस्था करने का जिम्मेवारी थी, वो बंटते बंटते अबू तालिब के पास सिर्फ पानी पिलाने की जिम्मेवारी रह गई थी। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक रिस्पेक्टेबल काम था, तो इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो अब ये 8 वर्ष के मोहम्मद को उसके चाचा अबू तालिब ने पालना शुरू कर दिया है। अब ये जो बच्चा था अबू तालिब के पास रह के बड़ा होने लगा। और एक इंसिडेंट और आता है कि जब इस बच्चे की, मोहम्मद की, उम्र लगभग 12 साल थी, तो अबू तालिब को बिजनेस के सिलसिले में कारवां के साथ सीरिया जाना था, और उन दिनों में बहुत टाइम लगता था इन ट्रेवल्स में। तो ये बच्चा रोने लगा कि मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं आपके साथ चलूंगा। तो अबू तालिब बच्चे का मन नहीं तोड़ना चाहते थे, वो उसे अपने साथ सीरिया ले जाते हैं। और ये पहला वो ट्रेवल है, ये पहली वो यात्रा है जो ये मक्का के बाहर इतनी दूर तक लेके जाता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को। और ऐसा माना जाता है कि उन दिनों सीरिया में क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे फैलना शुरू हो रही थी, तो उसने वहां पर क्रिश्चियनिटी को देखा होगा और उसका कुछ इंप्रेशन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के माइंड पे जरूर पड़ा होगा। और जो मक्का के आसपास का एरिया था, वहां पर कुछ यहूदी भी रहते थे, उनके कुछ एक्सक्लूसिव कबीले भी थे। एज अ रिजल्ट, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था, इसको क्रिश्चियनिटी की और यहूदियों की, दोनों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलती जा रही थी। और कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल इंसिडेंट हमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बचपन में देखने को नहीं मिलते। फिर जब इसकी आयु लगभग 24 वर्ष की होती है, तब अबू तालिब ने कहा कि अब मैं, क्योंकि मेरी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरा हाथ बंटाना शुरू करो। और एक कारवां जाने वाला अगले महीने सीरिया की ओर, मैंने उसमें जाना है, तो मैं तुम्हें उसमें चाहता हूँ साथ चलो, तो तुम्हें भी कुछ पैसे उसमें मिल जाएंगे। तो मोहम्मद ने उसके लिए हाँ कर दी। अब ये जो कारवां था, ये वहां की एक बिजनेस लेडी थी खदीजा, उसका था। अब ये जो खदीजा की कहानी है, ये हमें एक और इंसिडेंट हमें बताती है, या एक और एस्पेक्ट हमें बताती है कि उस टाइम जो अरेबिया के लोग थे, वो महिलाओं का कितना सम्मान करते थे और कितना उनको फ्रीडम देते थे। पहले हम देख चुके हैं कि जो हाशिम की पत्नी थी सलमा, उसने अपनी शर्तों पे शादी की थी, वो बिजनेस करती थी। वैसे ही खदीजा जो थी, ये मक्का की बहुत रिस्पेक्टेबल लेडी थी, उस टाइम लगभग 40 वर्ष इसकी आयु थी। दो डाइवोर्स हो चुके थे, दोनों पुरानी शादियों से उसके बच्चे थे, और अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस संभालती थी। और ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़े जो कारवां होते थे, वो खदीजा के होते थे उन दिनों में मक्का में। तो इस बड़े कारवां के साथ अबू तालिब और उसका ये भतीजा मोहम्मद सीरिया जाते हैं। वहां पर जब ये वापस लौटते हैं, तो मोहम्मद और इसके बाकी के साथी खदीजा को आके बताते हैं कि किस तरह से मोहम्मद ने इस कारवां के साथ जब बिजनेस किया है, तो उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। मोहम्मद के बारे में ऐसा बताया जाता है कि बातें करने में बहुत स्मार्ट व्यक्ति थे, इसलिए जब ये कारवां के साथ गए, तो वहाँ पर इनके बातों, बात करने के ढंग से जो कारवां था, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो अपेरेंटली खदीजा इस यंग लड़के से, जो हालांकि 15 सालों से छोटा था, इम्प्रेस हुई और वो इससे शादी करना चाहती थी। मोहम्मद को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था शादी करने के लिए, लेकिन क्योंकि खदीजा का स्टेटस बहुत बड़ा था, तो उसे पता था कि उसके जो पिता हैं, वो ये शादी नहीं होने देंगे। तो उसने क्या किया, अपने पिता को एक दिन पार्टी दी उनके लिए, उसमें उनको बहुत ज़्यादा शराब पिला दी। और ऐसा बताया जाता है कि उनकी शराब में ही रजामंदी लेके उसी समय इनमें शादी कर दी गई। तो जब खदीजा के पिता को होश आया, तो उन्होंने एक बार तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया था कि ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन सभी ने समझाया कि ये तुम्हारी बेटी है जो इस शादी को करना चाहती थी, इसलिए अगर आप इसमें ऑब्जेक्शन करोगे, तो आपकी ही इसमें इंसल्ट हो सकती है।
तो अल्टीमेटली ये हालांकि एज मैच नहीं करती थी कि 25 साल का लड़का है और 40 साल की लड़की है, लेकिन इनकी शादी हो जाती है और ये शादी अगले 25 साल तक सक्सेसफुली चलती है जब तक कि खदीजा की मृत्यु नहीं हो जाती। और ये जो 25 साल थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक भी और शादी नहीं की, क्योंकि ये जो लेडी थी इसकी अपने समाज में बहुत ज़्यादा रसूख था। ये 25 साल की शादी में इनकी 6 संतानें हुई, जिनमें 2 लड़के थे और 4 लड़कियां थीं। सबसे पहला जो लड़का था उसका नाम कासिम रखा गया था, और जैसी कि मक्का की ट्रेडिशन थी, इस बच्चे के जन्म के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अबुल कासिम या अबू कासिम के नाम से जाना जाने लगा, कि कासिम का बाप अबू कासिम। इसके बाद 3 लड़कियां होती हैं, जैनब, रुकैया और उम कुलजूम। फिर एक लड़का होता है जिसका नाम अब्दुल्ला रखा जाता है, और फिर जो 6ठी संतान होती है वो लड़की है जिसका नाम फातिमा। इन बिटवीन एक और इंसिडेंट आता है कि अबू तालिब, अब क्योंकि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, एक बार जब सूखा पड़ा वहाँ पर, उसके कारण उसकी जो माली हालत थी वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो बाकी लोगों ने कहा, और मोहम्मद को स्पेशली कहा गया, कि अब तुम एक अच्छे परिवार में चले गए हो, तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं है, तो तुम्हें अपने चाचा की, अबू तालिब की सहायता करनी चाहिए। तो उनका जो बेटा था अली, उसको मोहम्मद ने अडॉप्ट कर लिया, उसको गोद ले लिया। इस समय अली छोटा सा था, लगभग 7-8 साल का। और इसके अलावा जो जैनब थी, उसकी जो शादी है वो खदीजा की बहन का बेटा था, उसके साथ कर दी गई। अनफॉर्चुनेटली जो कासिम था वो लगभग 2 साल का होते ही मर गया था, और जो दूसरा बेटा था अब्दुल्ला, वो भी बहुत छोटी आयु में ही मर गया था। तो जो लड़कियां थी वो तो जीवित रही, लेकिन जो लड़के थे वो जीवित नहीं रह पाए। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की शादी ठीक से हो गई थी, इनको अब कमाने की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि पत्नी का बहुत बढ़िया बिजनेस था। जब इनकी आयु लगभग 40 वर्ष की हुई, तब इन्होंने क्लेम करना शुरू किया कि मुझे पैगंबर माना जाए। अब पैगंबर वाली कंसेप्ट जो थी वो अरब वासियों के लिए नई थी, स्पेशली मक्का के लोगों के लिए नई थी, इसलिए उन्होंने इसको इजीली एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसके पीछे जो इंसिडेंट है वो इस तरह से बताया जाता है कि मक्का के लोगों में एक परंपरा थी, एक ट्रेडिशन था, कि साल के कुछ दिन, ऐसा माना जाता है कि 6 हफ्ते या 40 दिन, वो लोग आसपास की पहाड़ियों में जो गुफाएं थी वहां जाकर ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए वहां पर मेडिटेशन करने जाया करते थे। और एक दिन जब एक हीरा नाम की गुफा में ये ध्यान लगा रहे थे, तो उस समय उनको एक फरिश्ता आके मिलता है जो कहता है कि तुम्हें पैगंबर चुना गया है।